सारंग ठाकुर से महाप्रभु ने कई दफा कहा, कई बार कहा कि आप शिष्य बनाइए, शिष्य को नहीं बनाते आप। उनकी कोई रुचि नहीं थी, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता ब जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की तुई अहितु की भक्ति प्रदान करे जन्म जन्मांतर तक। मुझे शिष्य नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? अयुत की भक्ति। वरम देवा मोक्षम, क्या है? वरम देवा मोक्षम ना मोक्षा वेवा न चाण्य मृणे हम परेशान गेहा इदम देवपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मन से आविरास्थान के मन। दामोदर अष्ट का हम लोग गाते हैं। तो शिष्य की आवश्यकता नहीं, उनको लगेगी शिष्य की क्या आवश्यकता है, यहाँ धाम में रह रहा हूँ मैं, यहाँ क्या करूँगा शिष्य बना। गोपीनाथ जी की सेवा तो चली रही है। जब वृद्धावस्था हो गई, उनकी वृद्ध होने लगे, तो महाप्रभु ने देखा कि उनको कठिनाई हो रही है सेवा में। महाप्रभु ने कहा, आप देखिए गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, आप एक शिष्य तो बनाइए। तो सारंग ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु बार बार मुझे बोल रहे हैं, जब भी यहाँ से गुजरते हैं कि बात बोलते हैं शिष्य बनाओ शिष्य बनाओ शिष्य बनाओ। तो सारंग ठाकुर ने सोचा, ठीक है, ये अगर गौरंग महाप्रभु की इच्छा है तो मैं शिष्य बनाऊंगा। कल प्रातःकाल जब मैं स्नान करने जाऊंगा गंगा जी में, पहला व्यक्ति जो मिलेगा उसको देखकर मैं उसको दीक्षा दूंगा। गंगा स्नान के लिए गए प्रातःकाल, और प्रातःकाल गंगा स्नान जब कर रहे थे वो, किसी को देखा नहीं उन्होंने, उन्हें कुछ और अद्भुत दृश्य देखा। एक मृतक शरीर देखा उन्होंने गंगा जी में तैरते हुए, डेड बॉडी, और एक लकड़ी का जो है क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर, राफ्ट कहते हैं उसको इंग्लिश में राफ्ट, तो राफ्ट के ऊपर वो केले के पत्ते से ढका हुआ था, उसके ऊपर एक व्यक्ति वो लड़का एक लेटा हुआ था। तो पहला व्यक्ति तो ये देखा उन्होंने सारंग ठाकुर ने। तो सारंग ठाकुर ने कहा कि क्या हो गया है, तुम उठो उठो खड़े हो जाओ। तो वो जो लड़का है वो मूर्छित अवस्था से खड़ा हो गया, और महाप्रभु पीछे ही खड़े हुए थे, साक्षी थे दृष्टि के। उन्होंने कहा कि मंत्र को उच्चारण करो इसके कान में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो लड़का जाके जीवित हो गया। एक और चमत्कार, तालियां नहीं बजाया क्या? भारत में तालियां बहुत बजाती है, माला बजाइए ताला ताली बजाती है। फिर माला ये तो राधा पार्वती का महाप्रसाद है, तो ताली क्या बजाते हैं? ये कोई राम नेता थोड़ा कि माला बजा के ताली बजाते रहे। ये प्रथा भी शुरू हो गई हमारी संस्था में, किसी का स्वागत हम लोग तालियों से नहीं करते हैं। हमारी संस्था में जो वैष्णव समाज में स्वागत किया जाता है महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये हमारी संस्कृति रही है, ये वैष्णव सदाचार इस तरह से था।